कृति आपकी वीडियो चल रही है भाई। ठीक है, आ गए सारे लोग। देखो ध्यान से समझना बात को, मैं आपसे कह रहा था कि हर एक सेंटेंस में आपको ऐसा कोई ना कोई इशारा मिलेगा जो आपको बताएगा कि वो बात पास्ट की कर रहा है, प्रेजेंट की कर रहा है, उसी के हिसाब से आप ऑप्शन चुनें। कोई भी सेंटेंस जल्दबाजी में लगा के नहीं निकलेंगे, आप उसमें ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कहाँ है वो इशारा जो हमें बता रहा है। जैसे ध्यान से देखो, ये 15वां सेंटेंस अगर मैं बात करूं, दिया है थीफ हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड द वॉल व्हेन पुलिस अराइव्ड। अब देखो ये आपको पास्ट में है कि प्रेजेंट में है, ये दूसरी वर्ब बता रही है, अराइव्ड। अराइव्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, अराइव की सेकंड फॉर्म। ऐसे में यहाँ पे भी हाइड की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। हाइड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हिड। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, हिड। समझ रहे, कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिलेगा जो आपको ये बताएगा कि बात पास्ट की हो रही है, ये प्रेजेंट की। जैसे एक सेंटेंस देखें, ये देखें अगला 16वां, ही गेट्स हिज लेग ब्रोकन इन एन एक्सीडेंट। अब देखो यहाँ पे क्या है, पूरे सेंटेंस में कहीं भी नहीं पता कि ये सेंटेंस पास्ट की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है। कोई ऐसा कोई भी इशारा नहीं है जिससे आप पहचान सको। तो आप यहाँ पर क्या फिल कर सकते हो भाई, आप यहाँ पर गेट्स भी लगा सकते हो, बात प्रेजेंट में करेगा। यहाँ पे गॉट भी लगा सकते हो, आपको बात पास्ट में करेगा। गेट्स भी लगा सकते हो, गॉट भी लगा सकते हो। समझ रहे बात में? अब गेट की बात चली है तो सुन लेना, गेट की सेकंड फॉर्म गॉट होती है और थर्ड फॉर्म गॉट भी होती है और गॉटन भी होती है। तो थर्ड फॉर्म में अगर गॉट लगाओ तो वो गलत नहीं है, थर्ड फॉर्म भी गॉट जो है एक्सेप्टेबल फॉर्म है। तो गॉटन भी हो सकती है, गॉट भी हो सकती है, और ज्यादातर गॉट ही इस्तेमाल होती है। गॉटन बहुत ना के बराबर यूज होती है, ऑब्सोलीट वर्ब की फॉर्म है। समझ रहे ना, ऑब्सोलीट समझते हैं, जो आजकल प्रचलन में नहीं है। तो हर एक सेंटेंस में आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो आपको ढूंढने में मदद करे। जैसे इस 18 सेंटेंस में एरर फाइंड करनी, ही हिडन हिमसेल्फ बिहाइंड द ट्री व्हेन दे वर लुकिंग एट हिम। तो देखो देखते ही एरर पता लग जानी चाहिए कि हिडन गलत है, क्योंकि हिडन है वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी अकेली सेंटेंस में नहीं आती, अक्सर हैज के बाद आती है। मतलब हैज, हैव, हैड, इनके बाद आती है या हमेशा पैसिव स्ट्रक्चर्स में आती है। पैसिव में तो थर्ड ही आती है, या तो पैसिव में आती है या हैज हैव हैड के बाद आती है। यहाँ इसमें से कुछ भी नहीं, तो ऐसे में यहीं पे गलती है। अब देखना है सेंटेंस कहाँ है, पास्ट में, वर लुकिंग फॉर हिम। जब आप कह रहे हैं वर लुकिंग फॉर हिम, इसका मतलब बात पास्ट की हो रही है, और अगर पास्ट की हो रही है तो यहाँ पे होना चाहिए था ही हिड हिमसेल्फ, उसने खुद को छुपा लिया। सेकेंड फॉर्म होनी चाहिए, ही हिड हिमसेल्फ बिहाइंड द ट्री व्हेन दे वर लुकिंग फॉर हिम। समझ पा रहे हैं ना बात को? अभी किसी ने लर्न के बारे में पूछा था कि उसका क्या मतलब है। देखो भाई, लर्न की सेकंड फॉर्म क्या होती है, लर्न, एनटी, इररेगुलर वर्ब है। समझ रहे ना? और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, लर्न। अब देखो इसकी एक सेकंड फॉर्म क्या, लोगों के दिमाग में कभी कभी वो एरर देता है लर्न लगा के। ये असल में सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म नहीं, ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है पढ़ा लिखा आदमी। जैसे मैं कहूं, कोई पढ़ा लिखा आदमी ले लें, कोई पढ़ा लिखा आदमी हो, जैसे एम के गांधी वॉज अ लर्न्ड मैन। इसका मतलब है विद्वान आदमी, पढ़ा लिखा आदमी। आमतौर पे इसका हिंदी में मतलब विद्वान निकाला जाता है। समझ रहे हैं ना, महात्मा गांधी एक विद्वान आदमी थे। तो आप समझना, ये एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं है। कैसे पता लगेगा एडजेक्टिव है, इसके बाद कोई नाउन आई होगी। देखो मैन की क्वालिटी बता रहे, कैसा आदमी, विद्वान आदमी। वर्ब क्या है इसमें, वॉज। वॉज कैसी वर्ब है, मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ पे। क्योंकि देखो पूरे सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब दिखाई दे रही है, वॉज, और पूरे सेंटेंस में एक ही वर्ब होती है तो वो हमेशा मेन वर्ब होती है। समझ रहे हो अभी बात को? तो अब जब आप इस एक्सरसाइज को दोबारा लगाने जाओगे, जिन्होंने सुबह लगाया था बहुत सही, लेकिन आपको दोबारा लगा के देखना है कि आपने कुछ इम्प्रूव किया है कि नहीं किया है। और उससे पहले
आप इसको एक्सरसाइज अभी नहीं लगाएंगे, पहले बहुत सारी वर्ब हैं जिनके बारे में हमने अभी बात की नहीं है, लेकिन पूरी लिस्ट है। पहले आपको इस वर्ब की पूरी लिस्ट को देख लेना है, इसको देखना है कि इसमें कौन कौन से ऐसी सेकेंड और थर्ड फॉर्म है जो आपको नहीं आती, क्योंकि जो एरर आती है वो इन इररेगुलर वर्ब से ही आती है, इतनी वर्ब है। और फिर मैं आपको बता रहा हूँ सारी आपको पढ़नी नहीं है, क्योंकि अगर आपने थोड़ी बहुत भी इंग्लिश पढ़ी है तो आधे से ज्यादा आपको आती है। बस ये आपको डिटरमाइन करना है कौन कौन सी आपको आती है कौन सी नहीं आती, क्योंकि मुझे नहीं पता आपको कौन सी आती है कौन सी नहीं आती। हाँ, जिनमें कंफ्यूजन था उसकी बात हम लोग कर चुके हैं, समझ पा रहे हैं अभी बात को? कभी जरूरत पड़ेगी तो दोबारा इसको देखना वीडियो को। और जो लोग ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में फर्क नहीं कर पा रहे हैं पहली वीडियो देखें, जो लोग एक्टिव पैसिव नहीं पहचान पा रहे हैं थर्ड वीडियो देखें, तो जो चीजें यहाँ पे पहले हो चुकी हैं उनका यहाँ पे हिंट दिया जा सकता है, उन्हें समझाया नहीं जा सकता है, वरना ऐसे कोर्स नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अब आप लोग जो है वो काफी अनुभव आपने हाथ उठाया है, बाय मिस्टेक, ठीक है, अब पूछ सकते हो कुछ भी आपके दिमाग में हो, डाउट आप क्लियर कर सकते हो कुछ भी पुराने हैं। तो मैंने आपसे बोला था कि पिछली वाली जो शीट्स है दोनों तीनों जो भी हम लोग कर चुके हैं तीन क्लास, तो उनके बारे में जो भी कोई डाउट है उनकी एक्सरसाइज में डाउट है तो आप मुझे बताओ क्या डाउट है। अगर किसी को डाउट है मैं अगला लिंक भेज रहा हूँ, जिसको डाउट है वो लोग आ जाए, जो जो डाउट है उस पर बात करेंगे। और अगर किसी को लिंक मतलब कोई डाउट उनमें नहीं है तो मैं 5 मिनट बाद ऑफलाइन हो जाऊंगा और इसे खत्म कर दूंगा। अगर किसी को डाउट होगा तो वो उस लिंक से आके हमसे बात करेगा, हम सारी एक्सरसाइज की बात करेंगे कहाँ पे क्या क्या डाउट था। ठीक है ना, तो थैंक यू वेरी मच। इस शीट को डाउनलोड करना, इस शीट को मैं अभी पहले अपलोड करूंगा, उसके बाद डाउट वाले सेशन का लिंक भेजूंगा। ठीक है ना, तो पहले मैं इसे अपलोड करूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लेना, लिंक अभी मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। और इसकी एक्सरसाइज तो है ही वहां पे, उसी पेज पे एक्सरसाइज भी है, तो आप इस वाली एक्सरसाइज को दोबारा से लगाना और देखना क्या इम्प्रूव हुआ है कुछ कि नहीं हुआ है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट हो रहा है फिर तो पढ़ने का फायदा, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। तो मैं आपको 5-10 मिनट में डाउट सेशन का लिंक भेजता हूँ, जिसको कोई भी डाउट है किसी भी शीट में जो अभी तक हमने की है, हम लोग इसके अलावा बात नहीं करेंगे, आउट ऑफ द सिलेबस बात नहीं करेंगे, क्योंकि फिर बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है ना, अभी इसी की बात करेंगे जितना हम लोग कर चुके। किसी को भी डाउट होगा अभी उसमें आएंगे, तो उससे पहले मैं इसका लिंक भेजता हूँ। थैंक यू वेरी मच।